हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो अर्चना जी। हेलो। हमेशा लोग कहते हैं पुलिस लेट आती। हाँ। हालांकि सच ये है, हाँ। पुलिस 2 घंटे पहले आ गई थी। हाँ। ये सुनने वालों का पहला प्रोग्राम नहीं खत्म होता। हाँ। पता नहीं कौन सी इनको खुशी चढ़ी है, गाने नहीं खत्म करते। गाने गाए जा रहे। खैर अर्चना जी, हाँ जी, खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। हाँ। लेकर प्रभु का नाम करते हैं चलान 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 मेरे हिसाब से। शमशेर जी आए हैं। एक मिनट, इतने नंगे और इलीगल मुंह से तूने कानून का नाम लिया है, तेरा बनता ही है कोई साहब, कोई बड़े साहब, कोई चीफ जस्टिस, ऐसे बड़े बड़े शब्द लिया करो जब मैं आता हूँ। पर ये तेरा ढाबा बाहर क्या कर रहा है बे? ओ, अंदर थोड़ी बिजली गई थी, बाहर हवा खाने के लिए आया। ढाबा बाहर ही होता है और बेडरूम के साथ थोड़ी अटैच होता है। एक तो तूने जो पहली लाइन बोल के कानून को गुमराह किया है। हाँ। और दूसरी लाइन बोल के तूने ये जो मानसिक उत्पीड़न किया है, तेरी दोनों बातों को चलान बनता है। गुमराह, उत्पीड़न, ऐसे वर्ड यूज करके आपको इधर साहित्यिक पुरस्कार नहीं मिलेगा। देखो, हाँ जी, कम शक्ल वाले आदमी, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा मुंह ही अच्छा बनवा लो तुम। पता नहीं इसका मुंह देख के मुझे क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं। चलो अपने मुंह की पीयूष दिखा, अपना ढाबे की पीयूष दिखा। चल, ए सूखी चाहिए, ग्रेवी वाली चाहिए? पीयूष ही मांगी मैंने, कड़ी पकौड़ा नहीं मांगा है, बकवास करता है। सर कैसी बात, जल्दी से पीयूसी सर्टिफिकेट दिखा, नहीं तो तेरी ऐसी जगह पे डंडा मारूंगा जहां से तू पोल्यूशन फैलाता है। सर ढाबा कौन सा पोल्यूशन फैलाता है? अच्छा, तो ये जो तंदूर लगा है, इसमें से क्या नोरा फतेह निकल के मैया मैया करती है? धुआं निकलता कि नहीं? धुआं मींस पोल्यूशन, कागज निकाल। सर चलने वाली चीज धुआं छोड़े ना, उसका पीयूसी बनता है। इधर, हाँ जी, तू चल रहा है ना? हाँ जी। तेरा पीयूसी निकाल। मैं चलते चलते क्या धुआं छोड़ता हूं इधर? सर आपको ट्रक, तंदूर और इंसान में कोई फर्क नजर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं, कानून सबको एक नजर से देखता है। अर्चना जी, कल मैंने एक औरत को एक नजर से देख लिया, पता ही नहीं मेरे पे भड़क गई वो, भीड़ इकट्ठी कर ली उसने। सर शुक्र करो आप पे केस नहीं किया उसने, आप बच गए हो। केस भी करती भी, मेरी बीवी मेरे पे केस क्यों करेगी? ऐसे कहो ना, बीवी को आप आंख मार सकते हो। बीवी को मार सकते हैं? तो कल मैंने हवलदार की बीवी को मारी, वो मेरे पे भड़क गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर आप किसी की बीवी को आंख नहीं मार सकते। ए, तू कानून को कंफ्यूज कर रहा है। कभी कहता बीवी को आंख मार सकते, कभी कहता नहीं आंख मार सकते। तेरा 50,000 का चलान बनता है। सर बेकार बातों का 50,000 रुपया? अच्छा, बेकार बातों का सोनी से तू लाखों ले सकता है, पर हम 50,000 नहीं ले सकते। सर मैं गरीब आदमी हूँ, कोई और रास्ता हो तो बताओ प्लीज। देखो एक सोल्यूशन है, आज मेरा हवलदार नहीं आया जी, इधर हवलदार बन के खड़े हो जाओ। हाँ। जो भी गाड़ी आएगी, हाँ, तूने उसको रोकना है। अच्छा, नहीं रुकेगी, आगे लेट जाना है। हाँ। अच्छा, उसने अगर गाड़ी मुझ पे चढ़ा दी तो तेरे नाम का इधर बेंच लगवा देंगे। हाँ। साथ में तुझे 1.5 तोपों की सलामी दे देंगे। और सर 1.5 तोप नहीं होती, 21 तोपों की सलामी होती है। 21 तोपों की सलामी तेरे मुंह पे बनती है? ये जो 1.5 तोपों की सलामी मिल रही, वो भी मैं अंडर द टेबल डलवाऊंगा तुझे। हवलदार बनना है कि चलान बनना है? चलो वर्दी पहनो। वेरी गुड, अब जो भी गाड़ी आए जस्ट चलान देम। हवलदार चंदू इज रिपोर्टिंग सर। अरे हाँ भाई, अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, तुम चारा तो भेजो। अरे हमारी भैंसी आप लूट के आए यार, चारा भेजो, पैसा हम आरटीजीएस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चारा भेजो। तेरे बाकी के 2 टायर कहाँ हुए? तेरा चलान बनता है? इस बात का चलान बनता है यार, कमाल का बात कर रहे हैं हम, ये को चला के थोड़ी ना आ रहे हैं। हाँ। अपने पैरों पर चल के आ रहे हैं। तुझे क्या लगता है ये जो वीडियो है चला के लेके जाने वाले पुलिस के सामने, ये सिर्फ तूने देखे? हमने भी देखे सारे वायरल वीडियो, कानून देखता है। इनफैक्ट मेरा अपना एक वायरल हो गया था कल वीडियो, वैसे प्यार प्यार में कमिश्नर साहब मेरे गर्दन पे मुक्के मार रहे थे। 2.6 मिलियन लोगों ने देख लिया, मतलब इतना वायरल वीडियो को मैं इतना।
इतना जरूरत से ज्यादा फालतू बात हमको क्यों बताया आपने? तेरे सीनियर को तेरे सामने फालतू कराया, इसके कपड़े फाड़ दे, कॉलर से पकड़ के घसीट इसको। मैं कॉलर को हाथ नहीं लगाना, कॉलर ट्यून बजा देंगे तुम्हारा, समझ गए ना? तमीज से बात करो, मैं अभी अभी हवलदार लगा हूं। तुम तो अभी अभी लगे हो ना, हम तो बचपन से ही बच्चा यादव हैं दोस्त। अच्छा, धमकी ऐसे दे रहा जैसे बच्चा यादव को पोस्ट हो। पोस्ट नहीं तो क्या हुआ, पोस्ट बॉक्स तो लगी रहा है। तू मुंह ना खुला रखा कर, कोई चिट्ठी डाल जाएगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ। महोदय बात को समझिए, पोस्ट बॉक्स लाल होता है, लाल। तो ये जो डंडा है ना, ये लाल करने के लिए रखा है। बाइक चेक करो इसका। सर क्या अपना पंचर तो नहीं लग रही, पिछले टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है। थूक लगा के चेक करो, बुलबुले छोड़ रहे। बेवकूफ आदमी, तुझे मैंने हवलदार बनाया, तुझे पंचर की दुकान खोल के दिए। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ। और क्या होता है? PUC है। हाँ, साथ में इंश्योरेंस भी है, RC भी है। ओए ओए ओए, जनाब इधर चेकिंग कर रहे हैं और तुम गाड़ी के पूरे पेपर लेकर घूम रहे हो। तुम्हें बड़े छोटे का ख्याल है कि नहीं है? सर मुझे तो लगता है किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। अच्छा, तो मतलब क्राइम पेट्रोल वाला दिमाग यूज करना है? हाँ जी। मैं द कपिल शर्मा शो वाला कर रहा था। हमारे होते हुए वारदात को अंजाम। चलो जेल, चल चल। हम जेल क्यों चलेंगे, कागज पूरे हैं हमारे। कागज पूरे हैं तो तुझे पुलिस डिस्को में ले जाए तुझे। चल चल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन क्यों अंडर अरेस्ट, हमने किया क्या है? तुमने कुछ नहीं किया, ये लाइन मैं भूल जाता हूँ हमेशा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया आज। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने गलती से एक आदमी को बोल दिया यू आर अंडर आर्म। अच्छा फिर? और कुछ नहीं, मेरे पास ऐसे जिक्र के आ गया, मेरे को इतनी उल्टियां आई हैं, सारा डिपार्टमेंट समझ रहा था मैं मां बनने वाला हूँ ऐसा। देखिए सर, आपकी बहादुरी कमाल की है, कमाल की। आपकी बहादुरी के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि आपको पुरस्कार दें, इनाम दें, लेकिन अभी प्लीज हमें जाने दें। बच्चा, बंदा आता तो अपनी मर्जी से यहाँ पे, लेकिन जाता हमारी मर्जी से। हाय हाय। ओए, तू हवलदार लगा, शकाल नहीं लगा इधर। एक काम कर, ये लेके जाए, ये स्कूटर के दोनों टायर निकाल और मेरी गाड़ी को लगा दे, पीछे लगे हुए, तो गाड़ी खड़ी मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, टायर ये छोटे टायर है, आपकी गाड़ी के बड़े टायर हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलेगी, उसमें क्या है, गाड़ी में बैठ के ऊंट वाली फीलिंग आएगी। तेरा क्या जा रहा है बे? पी पी। क्या कर रहा है? उसमें है हॉर्न, उसमें है, मुंह से बजा रहा है हॉर्न। देखिए प्लीज हमारी बात मानिए, हमें जाने दीजिए, हमारी भैंसिया भूखी है, उसे चारा खिलाना है, चारा खाएगी तो दूध देगी, हमारा बिजनेस है सर। स्मगलिंग है? मतलब भैंस को चारा दे के धोखे से उसका दूध निकालता है। अरे भैंसिया चारा खाएगी तो ही तो दूध देगी। तो काम कर, भैंस को एक दिन दूध पिला के देख, क्या पता चारा दे दे कि नहीं। भैंस चारा कैसे दे सकती है? अब देखो, मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है, और वो अंडा आगे से फिर मुर्गी देता है, तो लगता है तेरी केमिस्ट्री वीक है तेरी। अरे यार कमाल कर रहे हैं आप, अंडे के साथ केमिस्ट्री बीच में कहां से आ गई? मुर्गा मुर्गी की केमिस्ट्री होती है तो अंडा आता कि नहीं आता। और एक मिनट, हमारी बाइक कहाँ है? वो तो आपके हवलदार लेके चले गए, और वैसे भी हमारे पास फालतू टाइम नहीं है सर। देखिए ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, इसे देखिए और हमें जाने दीजिए प्लीज। ओ बच्चा, यस, ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से तुम हो बच्चे यानी नाबालिग। तो बच्चा तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, तुमने डायपर पहना है? नहीं। वो भी नहीं पहना? तुम्हारा 1,84,000 का चलान बनता है। अरे हमारा नाम सिर्फ बच्चा है, बाकी तन बदन से हम फुल्ली फर्निश्ड मर्द है। यार संदू, तुम तो ये बात जानते हो, बताओ ना। नो, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं सच नहीं बोल सकता। देखो रूल मतलब रूल, ये तुम्हें नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था। हेलो हेलो हेलो, मैं आ रही हूं। ओके बाय। ओए स्टपनी जैसे मुंह वाले, चलो गाड़ी साइड पे लगाओ। क्या हुआ सर? नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार।
गया है मुझे प्यार। मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम साथ गाओ, साथ से टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टॉक। एक मिनट, पर आपका गाना तो राह से खत्म हुआ था ना? मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया था। कभी कभी मैं खत्म कर देता हूँ ऐसे कंफ्यूज लेवल पे। तुम साथ से गाओ। पार समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। वीजा दिखा अपना। वीजा मतलब किसके लिए? इमिग्रेशन में तेरी बुआ बैठी, सात समंदर पार से तू आ गया है। पिछड़ बकवास करता, ज्यादा बोला ना मुंह पे डंडा मारूंगा मैं। वो तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें इसलिए बुलाया, लड़की को स्कूटर चलाना नहीं आता था, पर तुम इधर आके छाने की कोशिश कर रहे हो। चलो भागो यहां से। ओके सर, थैंक यू। अरे रुको, वो नहीं रुकेगा, उसको आगे भी आना होता है, मेरी बेटी मानता है। अरे सर क्या हो रहा है सर, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा, आप हमें जाने दीजिए। किधर जाना तेरे को, इतनी खूबसूरत लड़की आई है, मैं छानबीन ना करूं? करो करो, बकवास कर रहा है। कट, भैंसा कहीं का मुर्गा बन जा और मुर्गा तू भैंसा बन जा। और तुम क्या बनोगी मेरी? ऑप्शन ए जानू, ऑप्शन बी डार्लिंग, ऑप्शन सी स्वीटहार्ट, या ऑप्शन डी किस। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ केबीसी खेलने नहीं आई हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे जाने दें आपको, इधर ऐसी शक्लों वालों के साथ 15-15 साल निकाल दिए तो फिर भी खूबसूरत हो। सर मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा फाइनल एग्जाम है। हमारा भी फाइनल लाका है, इसके बाद मरने वाले हैं। ओके ठीक है ठीक है, आप जल्दी से चेकिंग कर लीजिए प्लीज। चेकिंग कर लेते हैं, जब से यहीं चेक ही कर रहे हैं हम। तो आपके पास वो है, वो अपना। हेलो, मैं ड्रिंक नहीं करती। नहीं नहीं, मैं कह रहा पेपर गाड़ी के। ये कौन से पेपर होते हैं? पेपर तो ये होता है ना। ये तो केक हो गया ना फिर। केक तो याद आया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मुझे विश करने जाना है, तो आप मुझे बिठा के छोड़ देंगी पीछे? मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, आपको वैसे पकड़ के गिरूंगा नहीं ना मैं। मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। पक्का ना? ये हमेशा लड़कियां मुझे बोलती नहीं छोड़ूंगी, फिर 2 मिनट में छोड़ जाती है, पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है इनको, उसके बाद फिर मैं उदास हो जाता हूँ वो। हाँ, उसके बाद वो तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, हमको सजा दी प्यार की, जाने क्या गुनाह किया, के लुट गए के लुट गए, आगे वो अलाप वगैरह जो आपको पता ही होगा। तो वो सब नया, देखिए मुर्गा उर्गा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, भाई सही ठीक है। आप इनका चालान क्यों नहीं काट रहे हैं? ये फोन पे बात कर रही थी। चालान क्यों? मैं पीछे थी। इसी बात का तो चालान है, उतनी गंदी शक्ल वाले लड़के के साथ तुम पीछे बैठ के आई हो, वरना फोन पे बात करने वाला तो मैंने देख के माफ कर दिया था। सर फिर इनकी गाड़ी को आग लगाना बनता है। इतने गंदे मुंह से इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हो? ठीक है मैडम, आपका कोई कसूर नहीं है, आप अपना नंबर दे मेरे को और जाओ। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे जाओ? अरे अरे क्या ऐसे जाओ? हम पहले आए थे, हम पहले जाएंगे, और वैसे भी हमसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया है। ओए उल्लंघन प्रसाद, मैंने तेरी नाभी में डंडा डाल के ना ऐसे खोल के मैं तेरी ऊपर वाली पॉकेट में डाल के तेरे को भेज देना। ज्यादा करनी, क्या उल्लंघन किया उसने? कितनी खूबसूरत लड़की है, इतना अच्छा टैटू है, सारा कुछ ठीक है, किस बात का चलान? थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। वो थैंक यू उसने मेरे को कहा है, तू अपना मोस्ट वेलकम ले और निकल यहां से। आप मुझे थैंक्स करना चाहती हैं तो आप इतनी अच्छी मॉडल हैं, आप क्या ये गरीबों की तरह थैंक यू नहीं? आप वो जैसे मॉडल करती हैं ना, वो हवा के वैसे कानों के दोनों तरफ थैंक यू वाला, तो आप चाहें तो मुझे कर सकती हैं वो। सर मैं अगर ऐसे करती हूँ ना तो मेरा निशाना थोड़ा चूक जाता है। ना, हम कर देते हैं, हमें आता है वाला इधर। बड़ा थैंक यू वेलकम चल रहा है यहाँ पे, कमाल कर रहे हैं। हमारे गाड़ी के सारे पेपर चेक, इनके गाड़ी के पेपर चेक कीजिए ना। पेपर चेक कर लेते हैं, पेपर
ते पेपर तो आपकी किस्मत में तो चलान लिखा नहीं, फ्लर्ट लिखा हुआ है। सर पेपर गाड़ी के होते हैं, गाड़ी के हाथ नहीं होते। तो पेपर निकाल लो, मैं अपने निकाल लेता हूँ। पंडित को दिखा लेते हैं, कुंडली चेक करवा लेते हैं। उसमें क्या है? हेलो, हम अपनी कुंडलियाँ क्यों मिलवा रहे हैं? नहीं तो आपकी फैमिली नहीं बिलीव करती, नहीं मिलाते। मेरा तो ये है जल्दी से जल्दी शादी हुए और आप मेरे घर पहुंचे और बस मेरा ये कोर्ट मैरिज कर लेते। ये सही है, कोर्ट मैरिज सही रहेगा। एक काम करेंगे ना, हम आपके विटनेस बन जाएंगे, ये जो हैं इनके विटनेस बन जाएंगे। जज सामने बैठी है, कोर्ट मैरिज सही है। क्या बकवास लगा कर रखा है। बस बस अब ना आपकी सच्चाई ना जनता के सामने आएगी। रुक जाइए, इतने बदमाश है तो आ लड़ मेरे साथ। आप रुकिए रुकिए रुकिए, अब जो है हम लाइव वीडियो बना रहे हैं। बना लो, हमने कौन से कपड़े उतारे हैं? लाइव वीडियो। ये देखो जनता, आप देख रही हैं? ये है वो पुलिस वाला जो हमको तंग कर रहा है। ये आप बोलिए ना, बोलिए जनता को बोलिए। हाय दिस इज शमशेर सिंह। अगर आपको लगता है कि मैं सिंगम लग रहा हूँ तो आप कमेंट करें और साथ में रोहित शेट्टी को टैग करें। और अगर रोहित शेट्टी बिजी है तो आप अपना उसको कर दें, अरबाज खान को मैं हुड़ हुड़ दबंग भी कर लूंगा। ये देखिए, मैंने अपनी पर्सनल सोनाक्षी सिन्हा भी लेके आया हूँ घर से। हाय थैंक्स, आपका प्यारा शमशेर सिंह, थैंक्स। और जिनको मैं सिम्बा लग रहा हूँ वो रणवीर सिंह को टैग करें, उनको बोलो मार्केट में उनका कंपटीटर आ गया है। जनता देख रहे हैं आप, ये दोनों पुलिस वाले हमें और इस खूबसूरत कन्या को तंग कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी इस कन्या को बहला फुसला के लेके जा रहा था। अरे हमने इसे कब बहलाया फुसलाया? बहलाया फुसलाया नहीं तुमने। नहीं बट आपकी गाड़ी मैंने रोकी नहीं रोकी। हाँ मैंने आपसे पेपर मांगे कि नहीं मांगे? हाँ। तो इसमें हमने कब बहलाया फुसलाया? तो जब मैं पेपर मांग रहा था तू मन में सोच नहीं रहा था कि मैं इसको फुसला के ले जाऊंगा? तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये मेरा ढाबा है और ये मेरा स्टाफ है, आओ तब तक हम डिनर करते हैं, आओ। अबे चुप, बावड़ी पूछ। अरे भैंस की पूछ मारू? मेरी भैंस नहीं है जी, इनकी है, इनकी भैंस की पूछ मारी है, मेरी तो है नहीं। मेरा छोटा पपी है सिज्जू। तो पहले तेरी भैंस खरीदवाऊ फिर उसकी पूछ मारू? अच्छा जी। ए मैम ने खरी भैंस है कि नहीं? आप गाली दे दो, मैं इनके साथ एडजस्ट कर लूंगा। उल्टे हाथ के साथ रैप्टा मारूंगी ना, मोर बना दूंगी तेरा, और ऊपर तक बिना बारिश के अच्छा नाचदा फिरियो। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये ग्लैमर कोटे वाली मॉडल टाइप लड़की में से स्पोर्ट्स कोटे वाली कैसे बाहर आ गई है। आई एम वेरी शॉक्ड। तू रहा ना, तेरे ज्ञान चक्षु खोल दूं पहले तो? नहीं मैं अगर कुछ खोल रही है तो जरा हमारी हेल्प कीजिए, ये डिब्बा सुबह से खुल नहीं रहा हमसे। ये एक तो एक लड़की अपना पूरा ग्लैमर वाला टोन छोड़ के वो हरियाणवी में धारा धारा कर रही है, इतना उसने एफर्ट किया है और तू उसे डिब्बे खुलवा रहा है। थोड़ी देर में टॉयलेट खुलवाएगा, खाएगा जाएगा जाएगा खाएगा, इसका यही रहता है, बकवास करता है। मैडम आप तो ये बताइए कि लास्ट में जो आपने ये टोन जो बदली है, इस सस्पेंस है क्या? तन्ने घनी वकालत सूझ रही है, तन्ने बेरा भी है कि तू किससे बात कर रहा है? नहीं मैं कोई आम छोरी नहीं हूँ, मैं हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर फुल्लन कुमारी। आज से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। मैं सच बताऊं तकरीबन 15-20 साल से इस धंधे में हैं हम। कभी कभी अर्चना जी को पता है कॉमेडी सर्कस के टाइम पे जैसे जैसे हम पुलिस वाले बने, एक लड़की आती है तो उसके बाद में वो आई कार्ड निकालती है हम कमिश्नर हूँ और फिर हम भाग जाते हैं। बड़ा पुराना, कोई और सोचो। मैं सीरियस हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। हम इधर कॉमेडी कर करके मर जाते हैं, बाहर से एक आर्टिस्ट आता आके सीरियस करके चला जाता है। मने लग गए काम सारे के सारे थाने में चाल के मानोगे। थाने जाना है? हाँ जाना है फिर थाने। नहीं 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 तूने जाना है, मेरे स्लिप डिस्क हुई है। तो मतलब आप हमें पकड़ेंगी? किसने कहा था हील पहन के आओ, आपसे भागन जाएगा, पर हम लोग भागने में एक्सपर्ट है। आई जस्ट लव योर टैटू। अरे काम रुको, काम रुको,
तो बात हो गया। रुको ना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.